नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षवंशल। आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मिस्टर ग्रोथ में। फ्रेंड्स, कई यूज़र को कंप्लेंट रहती है या फिर वो नाराज़ होते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस अपने चैनल पर क्यों पोस्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, उनके लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं अपने जो YouTube चैनल के वीडियोज़ बनाता हूँ वो कोई लाइक्स के लिए या फिर लोगों के पास ज़्यादा व्यूज़ के लिए इसलिए नहीं बनाता हूँ। मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है कि किसी का फ़ायदा हो सके। यानी कि अगर कोई मेरे को ऐसी जानकारी मिलती है जो किसी के लिए फ़ायदेमंद है तो मैं चाहता हूं कि मेरे जरिए वो काफ़ी और लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि जब मैंने अपने चैनल का पहला वीडियो पोस्ट किया था, मैंने तब भी नहीं सोचा था कि मेरे चैनल पर इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मैं आपसे कोई अच्छी चीज़ ना शेयर कर पाऊँ तो मेरे वीडियोज़ बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, आई डोंट केयर कि कितने लाइक्स या डिसलाइक्स आते हैं, बट मेन जो बात है वो ये है कि कितने लोगों को उससे फ़ायदा हो पाता है या फिर कितने लोगों को वो नई चीज़ पता चल पाती है जिससे उनका कोई नुकसान होने से बच पाए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शॉकिंग वीडियो शेयर करने वाला हूं। आप मेरे बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, घर के फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका घर है, बिल्कुल उसके मेन गेट से एक माँ के पास खड़े होते हुए भी उसके दो बच्चों में से एक बच्चे को दो आदमी किडनैप करके ले गए। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी शॉकिंग वीडियो लगा मेरे को। अगर मेरी इस वीडियो की वजह से एक मदर को, एक माँ को एक जानकारी मिलती है कि कैसे वो अपने बच्चों की सेफ्टी की तरफ ध्यान दे, इस तरह से कोई भी अनजान पर्सन आपके गेट पर आता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ पहले होनी चाहिए कि वो मेरे बच्चों को इस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या हुआ, दो पर्सन आते हैं तो शायद वो जो बच्चों की मदर है, घर पर महिला थी, तो उसको वो कुछ मीटर वगैरह नंबर नोट करने के लिए या किसी भी तरह से उन्होंने कोई काम बोला जो कि वो नोट करने के लिए गई। और इतनी ही देर में उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को जल्दी से बाइक पर बिठाया और उसको किडनैप करके ले गए। मुझे अब तक मिली जानकारी के अनुसार शायद ये बच्चा मिल भी गया है, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। बट फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक काफ़ी अच्छी भूमिका जो है वो सीसीटीवी कैमरों ने निभाई। मैंने सीसीटीवी कैमरों के बारे में भी पहले काफ़ी वीडियो बनाई हैं, आपको अवेयर भी किया है कि आप अपने घर दुकान वगैरह पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर ये किडनैपर्स मिल पाए होंगे तो उसमें सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरों का भी होगा। क्योंकि उन दोनों किडनैपर में से जिसने भी बच्चे को उठाया था उसकी क्लियर स्क्रीन सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये मेरा जो मैसेज था वो हर एक मदर के पास पहुँच पाएगा। वो आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दिया है, आप इसको शेयर करते हैं या नहीं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी मदर के पास ये मैसेज पहुंच रहा है तो उनको ये सेफ्टी का एक टिप्स मिल रहा है कि बच्चों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए। और इस तरह से कोई भी अनजान पर्सन अगर गेट पर आता है तो पहली बात तो उसको दरवाजा ना खोला जाए, अगर किसी वजह से खोला भी जाता है तो पहले बच्चों को अंदर भेजा जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते। फ्रेंड्स, हो सके तो सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी मदर के पास ये अच्छा मैसेज पहुंच पाए और वो भी अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस टिप्स को भी ध्यान में रखें। ठीक है फ्रेंड, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।